नमस्कार, वेलकम टू माय इनोवेटिव स्कूल अंदमान फर्स्ट ब्रदर इनोवेटिव स्कूल। तो आज का जो क्लास है भैया कराएगा, जो क्राफ्ट का उन लोगों काम सिखाएंगे। और इसमें आज बच्चों लोग क्राफ्ट का कोई एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, और मेरा जो इनोवेशंस है वो आज हम लोग प्रैक्टिकल कराएंगे बच्चों लोग को। और जो नया स्टूडेंट है उनको भी आज हम लोग स्कूल के बारे में बताएंगे, और बच्चे लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं इनोवेशन पे ये स्कूल में। तो उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो एंडिंग तक देखिए और बच्चे लोग को दिखाइए कि हम लोग स्कूल में क्या कराते हैं। और ये बहुत इनोवेटिव एक स्कूल है, अंडमान में फर्स्ट टाइम है, तो आप लोग बच्चे लोग को ज्वाइन कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये स्कूल अच्छा लगेगा। तो आप लोग देखते रहिए वीडियो। टोटली आज हम लोग क्राफ्ट का और मेरा जो इनोवेशंस है उसके ऊपर हम लोग आज प्रैक्टिकल कराएंगे, तो देखते रहिए एंडिंग तक आप। और बच्चे लोग को ये दिखाइए, खास करके जो स्कूल स्टूडेंट हैं उनको भी दिखाइए। तो बच्चे लोग को दिखाइए, और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे लोग को साइंस पे इनोवेशन पे काम करें, कुछ नया इनोवेटिव सीखें बच्चे लोग के अंदर क्रिएटिविटी, जो वो हम लोग ट्राई कर रहे हैं सिखाने के लिए। तो आप लोग को सपोर्ट चाहिए हम लोग को बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग नया स्कूल खुले हैं। तो आप लोग को बच्चे लोग को ज्वाइन कीजिए स्कूल में, कुछ नया हम लोग सिखाएंगे, आप लोग विश्वास कर सकते हैं हम लोग ऊपर। और वीडियो को आप देखिए। तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, तो और हम लोग को सपोर्ट चाहिए, तो थैंक यू। खास करके तुम लोग को चाहिए होगा ना, तो खरीद के लेके आते हो है ना, खरीदने जाएंगे कितना लेगा, 200-300-400 ले ले। तो मैं अगर ये शॉर्टकट में सीख लूंगा तो घर में बना सकता हूँ ना, तो नहीं चीज है और अच्छा भी लगेगा ना, है ना। तो अभी तुम लोग क्या पेन स्टैंड रहते, पेन रखने के लिए जो स्टैंड होता है, स्टैंड तो इसको बोलते है ना, ये स्टैंड बोलते है, ठीक है, ये रहेगा, उसके बाद ये बैठेगा, उसको क्या बोलते हैं, कप, स्टैंड रखने का जो कप होता है वही कप, ठीक है। उसके बाद हम लोग बनाएंगे स्टैंड, ठीक है, उसके बाद ये हम लोग देंगे साइड में, देन कुछ भी, कुछ नारियल पर कुछ भी दे, ठीक है, उसमें थोड़ा पत्ती लगा देंगे, है ना। ये आज आप लोग बनाना है, ठीक है, ये तो हो गया, लगभग हो गया, बस इसको थोड़ा रखे दो, इसको भी थोड़ा दे दो, बस हो जाएगा। उसके बाद पत्ती का कैसे काटते हैं डिजाइन वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी जो है ये लगभग हो गया, बस और कुछ नहीं, बाकी डिजाइन। तुम क्या कर रहे हो अभी? तो घिस रहे हैं। हाँ, तुम क्या बना रहे हो? पेन स्टैंड। बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। क्या बना रहे हो? पेन स्टैंड। अच्छा, क्या से? बम्बू से। अच्छा, तो आज नया कुछ सीख रहे हो? हाँ। कि घर में क्या हम लोग पेन स्टैंड बना सकते हैं ना घर में। हाँ। बना तो बेसिकली हम लोग खरीदते हैं बाजार से। हाँ। इसके बाद खरीदोगे? नो। क्यों? हाँ, खुद से बना लोगे ना? यस। बस बना के, बना के अपना जमा कर सकते। और किसी को देगो? बना के किसी को दे सकते आप? हाँ, गिफ्ट में आप दे सकते हो, किसी का फ्रेंड का बर्थडे है तो उसमें दे सकते हो ना फ्रेंड को बना के। ठीक है, बनाओ। तुम बताओ, बताओ क्या कर रहे हो अभी? पेन स्टैंड के स्टैंड को घिस रहे हो। क्या, इससे क्यों घिस रहे हो? इसमें पेन स्टैंड का कप बैठेगा। अच्छा, और अच्छा रहेगा, शाइनिंग होगा। ओके, ये क्या से है, ये क्या है, कौन सा मटेरियल है ये? बम्बू। बम्बू है ना, तो ये बम्बू को अभी इंडिया में घास का उसमें कर दिया है, तो ये हर जगह मिल जाएगा तुम्हें। ये तुम घर में किसी को बना के भी दे, गिफ्ट कर सकते हो ना। तो अगर सीख जाएंगे तो स्कूल में सूप भी दे सकते हो बना के। हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, तो कुछ नया सीखने के लिए मेहनत करना पड़ेगा ना। इन लोग का चल रहा है कठिन परिश्रम, सब आजकल सारे घिस रहे हैं शाइन पेपर से, इनका खुद का प्रोटेक्ट जो क्राफ्ट के हैं, और भैया सिखा रहे हैं उनको क्राफ्ट का आइटम। तो आज क्राफ्ट का ही सिखाना था, तो सारे क्राफ्ट के सिखा रहे हैं। तो ये अभी तक नहीं हुआ इसका, देखो अभी भी घिस रहे हैं, अभी तक घिस रहे हैं, देखो ये सब अभी तक नहीं हुआ।
दीदी का हो गया ना कि इन लोग देख रहे हैं चाय का टी कप कैसा लगा। हाँ तो ये सब बनाने सिखेंगे आप लोग सीखेंगे ठीक है ये सब बनाने सिखाएंगे आप लोगों। ये दोनों आज नया है इसलिए इन लोगों को बहुत तो इन लोग मेरा जो इनोवेशंस है वो देख रहा है। आज दो जन नया है और वो तो हमारा मिसाइल मैन है हमारे स्कूल का और ये भी नया है दोनों आज तो मेरा जो इनोवेशन वो आज के लिए जो मशीन है वो 80-90 हज़ार में बन गए और वो सोलर से चलेगा टोटली सोलर से मशीन चलेगा। हाँ वो टोटली मशीन सोलर से चलेगा ठीक है। फिर है तुम्हारा ये जो देख लिया ये वाटर पॉट के लिए इसका क्यों बनाया पता ना जो गांव में देखे ना ये वाटर पकड़ के लिए साइड में दर्द करता है ना यहाँ पे दर्द करता है तो वो दर्द मतलब बहुत बहुत पेन होता है और बहुत एंडिंग दे जाता है वो लास्ट का भी बहुत दर्द होता है तो वो एक छोटा सा डिवाइस में जो वेट है ना वो वेट बॉडी में फैल जाएगा ठीक है। विक है फिर ये एयर प्यूरीफायर मास्क है। कोरोना टाइम में ना तो डॉक्टर लोग क्या करते थे पूरा दिन भर मतलब मास्क पहन के रहते थे ना तो उनको हाँ तो मतलब मुंह पूरा फूल जाते थे तो मैंने छोटा सा डिवाइस बनाया जिसमें मतलब एयर को प्यूरीफाई करके ना वो मास्क अंदर तक लेके जाएगा और जो बाहर चले वो अलग से अलग साइड से वो निकल जाएगा ठीक है। ये सीट स्विंग डिवाइस है फिर सब जो है न्यूज पेपर में बेटर इंडिया में था बेटर इंडिया बहुत एक सोशल मीडिया बहुत बड़ा है उसमें आना मतलब बहुत ज़्यादा फिर रेडियो में फिर मेरा 100 मतलब उसमें बुक में इंडिया का ना एक बुक बनता है जो 100 इनोवेटर का मतलब मोटिवेटर का ना तो बनता है तो प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंट देखता है वो भी आएगा ये मम्मी का जो है ट्वीट में आता मैं स्कूल में जाकर आई थी आई में मतलब यहाँ के स्कूल कॉलेज में जाकर ना बच्चों को क्लास कराता हूँ कहाँ पर देखा आपने यूट्यूब उसमें देखा है टीवी में न्यूज़ में कभी ठीक है वो अभी धीरे धीरे पता चल जाएगा आप लोग अभी धीरे धीरे न्यूज में रिसेंटली आए थे न्यूज रिपोर्ट तो ये नहीं था पूरा मैं चाहता हूँ जाने पहचाने कि मेरे स्कूल से आप लोग को कुछ नया सीख तो हमको अभी हाँ तो ये जो है दिल्ली निकाली तो अभी हम लोग देखेंगे इसको कैसा निकालेंगे प्रैक्टिकल देखेंगे ठीक है मजा आएंगे ना। तो तिल्ली हम लोग एक ही साथ एक ही निकलते हैं ना नॉर्मल एक ही साथ हम लोग चार निकलते एक ही टाइम ये छोटा सा हमारा इनोवेशन था तो मैंने गुजरात में भी बना के ना दिया बहुत जन को जो झाड़ू बनाते हैं ना वहाँ पे जो रोड में ना तो रोड में क्या होता है बगल बैठ के ना हम लोग यही बिजनेस करते हैं गाँव से आते हैं दिल्ली लेके आते हैं यहाँ पे आते हैं शहर में आते हैं झाड़ू बना के तो एक ही टाइम में हम लोग एक ही निकालते हैं मेरे इसमें एक ही टाइम में चार निकल गए ठीक है। तो हम लोग आज प्रैक्टिकल देखेंगे इसका इससे क्या क्या बनता पता है चारू और ये चटाई भी बनता है ना देखा चटाई भी बनता है इससे ठीक है। तो मैंने एक डिवाइस बनाया था ना ये इससे भी बनता है ना तो हम लोग क्या करते गांव में ना एक ही टाइम में ना एक ही निकल सकते देखो चक्कू से ना एक ही टाइम एक ही निकल सकते तो एक ही टाइम में मतलब आप निकालोगे ना तो उसमें टाइम वेस्ट होता है ना टाइम वेस्ट ठीक है। तो हम लोग छोटा सा एक डिवाइस बनाया है जो एक ही टाइम में ना चार निकल सकते हैं बहुत सारा आप जितना इतना देखो इसमें जितना सारा थ्रेड दोगे ठीक है उतना सारा आप एक साथ निकाल सकते हो ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ उसको कैसे निकालते हैं तो हाँ ये चार इसमें चार फंसाना है आपको आप तीन भी फंस सकते हैं सर तीन अगर तीन तो देखो अगर मैं उसका टाइम में एक ही करता था तो एक ही टाइम में हम लोग दो दो कर सकते दो तीन चार ये सपना चले गए हुआ ना
एक ही टाइम में हम लोग दो भी कर दिया है, ठीक चार कर सकते हैं, इसका थोड़ा सॉफ्टनेस चले गया, ठीक उसको हम लोग दे दीजिए। हाँ देखो बन गया, अभी कोई कौन ट्राई करेगा, एक एक जन करो, लो तुम करो पहले, उसको दे दे पत्ती, दे दे एक पत्ती, दे दो एक दो पहले तो एक पकड़ना भी ना ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं ऐसा पकड़ना भी है तुम्हें, ऐसा किया उसको यहाँ फंसाओ, एक यहाँ उंगली में और इधर एक फंसा, ठीक है हुआ, या तुम इसको यहाँ फंसा और अभी फंसा उसको, और एक हाँ इसको इधर यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, ठीक है देखिए चो नहीं ऐसा नहीं, इसको देखो तुम जितना उसको उतना करोगे, देखो ऐसा करना इसको और इसको हाइट में रखना, ठीक है ये तो निकल गया देखो, ठीक है इसको करो कैसे किया ऐसा उसको खींचो, नहीं ऐसे नहीं ऐसा, हाँ हाँ तुम इसको ऐसा करो, हाँ हाँ ठीक है पीछे वाला करो, ऐसे नहीं ठीक है, हाँ 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 देखो दूसरा, ठीक है हो गया ना, तो अभी कौन आप ट्राई करो, কি করে করবে করো কিরকম করেছিলাম চিন্তা করো, এবার তুমি একটা করো, তুমি তিনটে পারবে না, ঠিক আছে দাও দুইটাই হচ্ছে না, বাকি আছে এখন পুরো ক্লিন করো ওটাকে, হ্যাঁ এরকমই তুমি যেরকম ধরো ওরকম ক্লিন করো, হ্যাঁ করো গুড, तो ये छोटा सा डिवाइस था जो इन लोग आज किया है, और आगे ऐसे हम लोग काफी डिवाइस बनाएंगे कि नॉर्मल जो गांव में यूज कर सकते हैं कोई भी, हम लोग बना के उनको दे सकते हैं ना, जो खरीद नहीं पाते हैं तो उनको हम लोग बना के दे सकते हैं, कि हम लोग पास दिमाग है हम लोग दिमाग यूज कर सकते हैं, ठीक है तो ये छोटा सा एक डिवाइस था, ये कैसा लगा आप लोगों को, कैसा था यूजफुल है, छोटा सा इनोवेशन है, तो ये प्रॉब्लम था हम लोग सॉल्व किया ना, ठीक है तो नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, अभी आइडिया सोचेंगे, दो उसको दो, बहुत इजी है पत्ती दोनों बराबर, एक पत्ती ऊपर नीचे हो गया इसलिए सर, দবাও দবাও দবা
क्लियर करके लेकर जाते हैं। अभी आ जाएगा, अभी तुम पीछे इसको बैंड क्यों, ये बैंड नहीं करना, यहाँ ही पकड़ना इसको, अभी इसको पीछे वाला करो। मिलने से आया था कि 15 दिन में मैंने 18+ मैंने इन्वेशन किया, क्योंकि प्रॉब्लम इतना दिखा, इतना प्रॉब्लम दिखा था, तो फिर धीरे धीरे सब बनाया, फिर मैंने फिर गुजरात चले गया, फिर गुजरात में जाके बना के लिए, दुनिया यहाँ भी चले, काफ़ी सारा प्रोजेक्ट था तो सब ठीक है। तो ये सब दिखाओ, आज के क्या बनाया तुमने? पेन स्टैंड। हाँ बताओ क्या बनाया आज? पेन स्टैंड बनाया है, क्योंकि घर में पेन रखने में काम आएगा। कैसा लग रहा बना के? कुछ अपना से बनाया ना? हाँ ठीक है, अब बताओ। मैंने भी पेन स्टैंड बनाया है, ये घर में काम आएगा पेन। तो आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो? हाँ ठीक है, मैंने को गिफ्ट देने के लिए बनाया है। ओके, टोटली तो एकदम बम्बू से बनाया आपने ये? हाँ, ना पूरा बम्बू का है, जस्ट थोड़ा सा एडहेसिव लगा है। क्या सीखे आज आप, क्या सीखने को मिला नया कुछ आप? मिल सकता है ना, हम लोग पुराना जो वेस्ट फेंक देते हैं उससे भी कुछ इनोवेशन कर सकते हैं ना। ठीक है, तो ये आज नया स्टूडेंट्स है तो उनको अभी आज धीरे धीरे सीखेंगे वो। क्या बनाया? ठीक है, गुड। सर मैंने आज एक पेन स्टैंड बनाया है कि एकदम लो कॉस्ट का है, तो मैंने इसे बंबू से बनाया है और इसमें हम गिफ्ट भी कर सकते हैं और मतलब अपना घर में भी पेन स्टैंड बना के रख सकते हैं या तो स्कूल में दे सकते हैं। ओके, ये बच्चे बीच नया है, नया है तो अब बताओ क्या मतलब हम लोग आपने आपको बोला ना हम लोग क्या सिखाते हैं तो क्या बोलना चाहते हो आप? ओके, तो आप बाकी बच्चों लोग क्या बोलना चाहते हैं? ओके, नया क्या सीखा आज, क्या बनाना सीखा आज? सैटेलाइट। हाँ आज ये आज वो सिखाया था हम लोग, दिखाया था उसको डायग्राम बना के, तो नेक्स्ट वीक वो बना के दिखाएंगे ना सैटेलाइट।